हेलो एंड वेलकम बैक टू खेल नाउ टीवी। स्वागत है आप सबका एक और पीकेएल 11 के रिव्यू में। और आज दो जो मुकाबले हुए, अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही थी। मतलब पहले मुकाबले में अगर बात करें, हरियाणा स्टीलर्स 5 में से 5 मैच पिछले जीत के आ रहे हैं। तेलुगु टाइटंस फॉर्म ऊपर नीचे रहा है, पवन शेरावत को गवा दिया इंजरी के चलते, आएंगे जल्दी वापस लेकिन इस मुकाबले में नहीं खेल रहे थे। उम्मीदें टीम ने की थी कि आज पवन शेरावत के बिना थोड़ी सी खुल जाएगी तेलुगु टाइटंस की टीम, उल्टा उनको पन्नों की तरह खोल के रख दिया, किताब के पन्नों की तरह। हरियाणा के डिफेंस और रेडिंग को यहां पे तेलुगु टाइटंस, कमेंडेबल जॉब आशीष नरवाल, विजय मलिक इन रेडिंग, और कंप्लीट टीम सपोर्ट मिला डिफेंस में। कृष्ण धूल आज नहीं थे, इस वजह से आज शंकर गदई खेल रहे थे, उनका भी परफॉर्मेंस आया। और क्या यही रीजन था कि इस तरीके से ये मुकाबला चला, आइए उस पर जानेंगे। सबसे पहले राय प्रीतम भाई, क्या कहना चाहते हो आप जो पहला मुकाबला हुआ, या मोहित भाई, पहला जो मुकाबला हुआ हरियाणा और तेलुगु के बीच में? हरियाणा और तेलुगु की बात करूं तो मैं देखो, आज हरियाणा जिस मूड में आई थी, पहली बात हरियाणा का जो डिफेंस था बिल्कुल नहीं चला। जैसे मैं बात करता हूं कि हरियाणा के डिफेंस ने आज कुछ नहीं किया। राहुल सेतपाल ने 6 पॉइंट तो लिए हैं लेकिन आज बैकफुट पे खेलते नजर आए हैं। वे 6 पॉइंट बहती हुई गंगा में हाथ धोना बोलूंगा कि बहती हुई गंगा में हाथ धोए हैं। रेडिंग डिपार्टमेंट में कोई नहीं चला, ना विनय, ना साहिल, कोई भी नहीं चला, ना संजय, कोई भी नहीं चला। आज 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 ये मुकाबला ऐसा लग रहा था कि प्रैक्टिस मैच खेलने आई है स्टीलर्स। अकेले शादरू थोड़ा सा दमखम लगा रहे थे लेकिन आज गलतियां ज्यादा कर रहे थे। अगर मैं यहाँ तेलुगु टाइटन की बात करूं तो तेलुगु टाइटन बिना पवन के आज कितना शानदार खेल लिया। विजय मलिक जो टीम के कैप्टन थे, 8 पॉइंट, मैं सपने में भी नहीं सोच रहा था। आशीष नरवाल हमेशा की तरह अपनी परफॉर्मेंस देते हुए, 11 मौका मिला है तो अब चौका तो लगाएंगे और वही काम हो रहा है। अगर आज यहाँ पवन शेरावत होते तो इस टीम का प्रदर्शन देख के, डिफेंस देख के बहुत खुश हो जाते। और तेलुगु टाइटंस का इस सीजन का ये बेस्ट डिफेंस है जो आज के मैच में खेल के दिखाया है, तो तेलुगु टाइटंस को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयां। और अगर आप ऐसे ही खेलोगे तो टॉप 6 में आपकी जगह जरूर बन जाएगी। पवन नहीं है उसके बावजूद भी आप सुपर काम कर रहे हो जी, और पवन नहीं है तो सुपर काम कर रही है तेलुगु की टीम। अब सोचिए कि पवन आ जाएंगे तो इसी तरीके से बस उनकी टीम चलते रहे, टॉप 6 में स्पॉट कंफर्म है, फाइनल तक भी पहुंच सकते हैं। जिस तरीके से आज खेली है डिफेंस, कमेंडेबल जॉब, एकदम क्लास परफॉर्मेंस उनकी। अब चलते हैं दूसरे मैच पे, क्लास मैच की तरफ। क्लास परफॉर्मेंस तेलुगु की, क्लास मैच यहां पे हुआ यू मुंबा, और उनके सामने थी प्रदीप नरवाल की बेंगलुरु बुल्स। चोट के बाद से अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं और प्रदीप नरवाल पहले ही रेड में उनको मोमेंटम मिल गया, पॉइंट लेके आए। परवेश बैसवाल ने गलती की और आज सुपर 10 पूरा किया है प्रदीप नरवाल ने, फाइनली इस सीजन का उनका दूसरा सुपर 10 था। लेकिन मैच कैसा रहा आपको समझाऊं, मैच में यू मुंबा कभी 1 पॉइंट की लीड, कभी 2 पॉइंट की लीड में बेंगलुरु, कभी 2 पॉइंट की लीड में यू मुंबा, कभी दो, मतलब यार क्या मैच था। अगर आप न्यूट्रल हो तो आप एंजॉय कर रहे होगे मैच को, बट आप किसी टीम के फैन हो फिर तो आपका धड़कन एकदम थम नहीं रहा होगा, उसकी स्पीड बढ़ गई होगी, गति बढ़ गई होगी। और गति आज सारे खिलाड़ियों ने दिखाया, सुशील ने दिखाया, लास्ट के कुछ मोमेंट्स बाकी थे वहां पे, 3 मिनट के आसपास कुछ समय बाकी था और एक खिलाड़ी सिर्फ बचे थे मैट पे, सुशील बेंगलुरु बुल्स के लिए। रेड पे गए, 2 पॉइंट लेके आए, बोनस प्लस 1 पॉइंट, ऑल आउट बचाया, वरना बुल्स का पत्ता वहीं साफ हो जाता। आखिर में क्या हुआ, अक्षित धूल की तरफ से, क्योंकि 30-35 सेकंड का समय बाकी था, एक रेड मिलता बेंगलुरु बुल्स को, बेंगलुरु बुल्स का जो मैच का लास्ट रेड होता बुल्स के लिए डू ऑर डाई होता, वहां सिचुएशन देख लेती ना टीमें। 35-35 की स्कोर थी, अक्षित दुल गए, सुपर टैकल हो गए, सेकंड रेड थी जबकि उनकी कमिट नहीं करना चाहिए था सेकंड रेड में, लेकिन सुनील का वहां टैकल आया, मैच पलटा और लास्ट तक में तो एकदम मैच पलट के ही रख दिया। प्रीतम भाई, इतना उलटफेर वाला मैच और ऐसे खत्म हुआ। आदि भाई, इस मैच में हम बिल्कुल एक जो तगड़ा मैच बोलते हैं ना, फाइट, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं प्रो कबड्डी के अब तक जितने मुकाबले हुए हैं इस मैच में सबसे ज्यादा फाइट लगी मेरे को। yes. क्योंकि देखो, 1 पॉइंट इधर लीड हो रही थी तो 1 पॉइंट इधर, yes. यहाँ ऑफेंस भी काम कर रहा था, यहाँ डिफेंस भी कर रहा। अगर यहाँ बेंगलोर का डिफेंस कर रहा था तो यहाँ ऑफेंस काम कर रहा था यू मुंबा का। तालमेल बहुत शानदार रहा, लेकिन जो एंडिंग मोमेंट में सुनील ने जो अपने आप को संभाला, मैं ये नहीं बोल रहा जो टैकल किया, जो उन्होंने संभाला अपने आप को, आउट ऑफ कोर्ट नहीं जाने दिया, उनकी बॉडी रोल हुई लेकिन फिर भी वो लाइन आउट नहीं हुए। लेकिन इस सीजन में बहुत प्लेयर लाइन आउट रहे, लेकिन सुनील ने
अपना 100% सहयोग दिया, टैकल पॉइंट अर्जित किया। लेकिन सुशील आज बेंगलोर के लिए काफी अच्छा वर्क कर रहे थे, आए 10 लाख की 10 मिनट में 6 या 7 पॉइंट उन्होंने लिए हैं। लेकिन आज प्रदीप नरवाल के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि आज प्रदीप नरवाल ने अपना 100% योगदान दिया है। बेंगलुरु बुल बहुत फाइट की है, नितिन राहुल की भी आउटस्टैंडिंग ऑफेंस डिफेंस सब, लेकिन यहाँ पे सुनील के लिए खास तौर पे बोलना चाहता हूँ, जो सुपर टैकल किया ना उसी से मैच विनिंग मोड की तरफ गया। बिल्कुल, और ये थी इस दोनों मैचेस की कहानी। आपकी क्या राय थी? बहुत सारी राय हो गई, मैं जानता हूँ क्यों सुपर रेट पे कौन गया, सुपर टैकल जब अपॉर्चुनिटी था तो क्यों बुल्स ने इसको क्यों भेजा, उसको क्यों भेजा। अपनी कमेंट्स जरूर, आप अपनी ओपिनियन रख दीजिएगा कमेंट्स में। अब आपको मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।